नोएडा में एक बुजुर्ग महिला को चार दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 19 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने मुंबई से चीन भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर ठगी की। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। साइबर क्राइम थाने में दो बैंक खाते फ्रीज कराए गए हैं। इन खातों में जमा 11 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। पीड़ित महिला सेक्टर 120 प्रतीक लॉरल सोसाइटी की रहने वाली है। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कब की यह घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए अनुपम, आपको बता दें, घटना 11 जून की है और पीड़िता ने कल FIR दर्ज कराई इस पूरे प्रकरण में। और 60 वर्ष की ये महिला है और जिस तरीके से ये घटना हुई, सेम मॉडस ऑपरेंडाई है कि DHL का कुरियर सर्विस से बात करते हुए बताया गया महिला को कि उसका एक पार्सल है जो मुंबई से चीन की तरफ जा रहा है और उसमें जो है कुछ ड्रग्स हैं, लिहाजा उसे अब अपेयर होना होगा, पुलिस के सामने सफाई देनी होगी, तमाम चीजों का डर दिखाया गया और उसके बाद उससे तमाम प्राइवेट डिटेल्स ली गई और आखिर में उसको PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का डर दिखाया और अकाउंट में अनअकाउंटेड मनी की बात कही गई, लिहाजा उससे तमाम पैसा ले लिया गया और कुछ ही घंटों में उसकी जांच के बाद वापस करने की बात कही गई थी और उसके बाद 19 लाख रुपए ठग लिए गए महिला से। महिला ने जब शिकायत की तो 11 लाख रुपए जो ये 19 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे डिफरेंट अकाउंट में, उनमें से 11 लाख रुपए फिलहाल फ्रीज करा लिए गए और पुलिस का जो साइबर क्राइम थाने की पुलिस है उसका ये दावा है कि जल्द ही आरोपियों को भी दबोचा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए और इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में भीड़ ने छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस घटना को मॉब लिंचिंग बताकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। 26 अगस्त की यह घटना बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। आरोपी के पिता ने भी वीडियो वायरल कर अपने बेटे की गलती मानी है। मेरे बेटे के मुताबिक जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे से भूल हो गई है और इस बात की मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी, बाद में जानकारी मिली मुझे इस बात की और मैं किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ और ना मुझे पुलिस से कोई शिकायत है। मैं बस अमन और शांति चाहता हूँ कि अमन और शांति बनी रहे और मैं अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से वो ये गलती नहीं करेगा। खबर जालौन से जा रही है जहां पर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप एक बुजुर्ग पर है। आरोप है कि घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची से उसने छेड़छाड़ की। पुलिस ने छेड़खानी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज आटा थाना क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की तो घटना सत्य मालूम हुई। इसमें बच्ची के साथ छेड़खानी की गई थी। इसका जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है।